गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांव की ओर प्रकृति की ओर में हम आप सब लोगों को लिए चलते हैं। थानागाजी के पास 6 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल पास और सरिस्का के पास में स्थित उदयनाथ धाम के पास में, जहां महाराज जी बाबा फूलनाथ जी द्वारा, जो प्रकृति प्रेमी हैं, जिन्होंने बिल्कुल जंगल के पास में पौधों की पेड़ों की इस तरह से रखवाली की है, उन्होंने बिल्कुल पूरा आसपास जहां पर मंदिर प्रांगण है वहां हजारों पौधे वृक्ष का रूप ले रहे हैं, साथ में कलकल करते और चहल पहल करते ये जो पक्षियों की चहचहाट के बीच में यहाँ मन को सुकून, मन को शांति मिलती है, प्रतीत होता है यहाँ आने के बाद मन एक ठहर सा जाता है, सुकून महसूस होता है, हृदय में एक खुशी का भान होता है। तो हमें लगता है इस प्रकार के स्थानों को खोजकर हमारी टीम का ये किया जा रहा प्रयास सराहनीय है। साथ में इसी प्रकार नित नए नवाचार करते हुए आप सब लोगों के साथ हम प्रकृति के इन नजारों को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो उदयनाथ जी जो धाम है, यहाँ जो वर्तमान में महाराज जी बाबा फूलनाथ जी हैं, वो प्रकृति प्रेमी हैं। उन्होंने थानागाजी से जब हम उदयनाथ महाराज जी के धाम की तरफ रास्ते में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मात्र 2 किलोमीटर थानागाजी से चलने के बाद आपको रास्ते के दोनों ओर पौधे लगे हुए मिलेंगे, जो धीरे धीरे अब एक वृक्ष का स्वरूप लेते जा रहे हैं। नियमित रूप से महाराज जी इन पौधों की देखरेख करते हैं, साथ में इन्होंने यहाँ इनकी पानी डालने की समुचित व्यवस्था की हुई है। भक्त जो गण हैं वो इस सेवा में बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं। साथ में महाराज जी का नियमित ये प्रयास है, उन्होंने मंदिर प्रांगण के पास में ही एक बगीचा बनाया है जिसमें स्वयं महाराज जी सुबह प्रातः जल्दी उठकर पौधों की देखरेख करते हैं, उनमें नियमित रूप से पानी साथ में खाद और देखरेख करते हैं। इसी प्रकार के व्यक्ति जो प्रकृति प्रेमी हैं और साथ में इस प्रकार प्रकृति को बचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, आज उनसे मिलकर हमें और हमारी टीम को श्रेष्ठ लगा। हमें भी भान हुआ कि प्रकृति के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। अगर इस प्रकृति के स्वरूप को हम वास्तविक रूप में बचाए रखेंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम इस प्रकृति के श्रृंगार को, स्वरूप को हम वास्तविक रूप में रख पाएंगे। इसी प्रकार के नए प्रयासों के साथ गांववाणी स्टूडियो हर रविवार को आपके साथ इसी प्रकार नए नए जो रमणीय स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं और प्राकृतिक छटा से पूर्ण हैं, उन्हें आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है। हमें अच्छा लगा यहाँ आकर और हमारी टीम के द्वारा कुछ सप्ताह पहले यहाँ आकर इस कार्यक्रम को शूट किया गया था और आज लॉकडाउन लगने के बाद हम इस प्रोग्राम को कैप्राइज करके, हमने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके और आप लोगों को आज साझा करने का प्रयास किया है। तो जब कभी आपको समय लगे और अभी कभी आप थानागाजी की तरफ जाएं तो आप उदयनाथ जी के धाम जरूर जाके आए। वहां जाने के बाद आपके मन और चित्त को एक सुकून का भान होगा, आपको लगेगा यहाँ प्रकृति के बीच आने के बाद मन प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित होगा और आप प्रकृति की गोद में आने के बाद अपने आप को बिल्कुल थकान मुक्त, साथ में स्ट्रेस फ्री और अपने मन को शांत पाएंगे। तो चलिए अगले सप्ताह फिर मिलते हैं इसी प्रकार गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले आओ लौट चले प्रकृति की ओर गांव की ओर कार्यक्रम में एक नए स्थल के साथ में। तब तक आपसे विदा चाहेंगे। मैं गोकुलचंद सैनी युवा जागृति संस्थान के इस गांववाणी चैनल की तरफ से आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे जो भी नए नोटिफिकेशन हो वो आपको प्राप्त हो सके।